वीडियो के माध्यम से आता है, और अगर वो कहता है कि साहब हम उस चैनल को हमने देखा था और वहाँ से आए हैं, तो फिर उसमें कुछ विचार किया जाएगा। स्वामीनगरम में समझता हूँ कि पहला ही इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और हम जो वर्क जो कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में एजी पब्लिक के अलावा और कोई ऐसा विद्यालय नहीं जो इंग्लिश मीडियम है, बाकी सब हिंदी मीडियम पैटर्न से चला रहे हैं और वो हिंदी मीडियम स्कूल है। ओके, क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिशन एडमिशन में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको एक स्कूल के बारे में बताया था, आज हम किसी दूसरे स्कूल में चलेंगे। तो आज हम जहां उपस्थित हैं, ये जगह है सुहागनगर, सुहागनगर सेक्टर 3, और सुहागनगर सेक्टर 3 में जिस स्कूल में आज हम जा रहे हैं, उस स्कूल के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ 20 साल से वो स्कूल संचालित है। स्कूल में जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी बताई जा रही हैं। अंदर चल के हकीकत जानेंगे, तो अंदर चलते हैं और जानते हैं कि जो बातें हमें पता चली हैं उनमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। चलिए। आप देख सकते हैं, जैसा कि ये हेड पोस्ट ऑफिस है सुहागनगर का, तो सुहागनगर हेड पोस्ट ऑफिस से हम यहाँ सीधे डायरेक्शन में चलेंगे, उसी रास्ते पे। मैं आपके प्रिंसिपल सर से मिलना। सर, हम आपका स्कूल विजिट करना चाहते हैं, और थोड़ा सा हम गार्जियंस को ये दिखाना चाहते हैं कि स्कूल किस किस तरीके के हैं और स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो हम हर एक स्कूल में जाकर के ये प्रोग्राम चला रहे हैं मिशन एडमिशन, तो उसके अंतर्गत हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि अब जो गार्जियन है वो अपने स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा स्कूल बेस्ट है, उनके नज़दीक में कौन सी चीज़ें, कौन से स्कूल में ज़्यादा बेहतर सुविधाएँ हैं पढ़ाई के साथ साथ, वो सारी चीज़ें हम दिखाना चाहते हैं। तो इन विजिट करके हम दिखाना चाहते हैं, तो एक बार आप विजिट अगर हमें करवा देंगे अपना स्कूल तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपकी सोच ठीक है, और मैं अभी आपको अपने विद्यालय का अपडेट कराता हूँ। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। चलिए आइए। पहले क्लास देखेंगे आप कहीं से भी शुरू कर लें, हमारा प्ले वे। तो ये सर प्ले वे सेक्शन है। यस, ये प्ले वे हमारा सेक्शन लगा हुआ है इधर, और इधर इसमें प्ले वे बच्चे अपना एक्टिविटी के साथ अपनी एजुकेशन भी ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों में क्लास में जो लगा हुआ है आप देख सकते हैं, LCD हम लोगों ने लगाई हुई है क्लास के अंदर, और छोटे छोटे बच्चों का फर्नीचर जो भी है वो सही तरीके से आप देख सकते हैं। आप चलिए आइए। मैग्नेट बोर्ड है जिसमें हम अल्फाबेटिकल जो वर्ड्स हमारे जो लगे हुए वो हम बच्चों को इनको दिखाते हैं इस तरीके से। क्लास में LCD लगा हुआ है, सारा कुछ इसके माध्यम से हम कंप्लीट करा रहे हैं। बच्चों का पोएम्स राइम्स वगैरह सारी ये सब अपनी तरीके से कंप्लीट कराते हैं। वाह, तो ये क्लासरूम आप देख रहे हैं, क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, सामने LED बोर्ड लगा हुआ है, LED स्क्रीन लगी हुई है, और मैग्नेट बोर्ड है, मैग्नेट बोर्ड के थ्रू पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है एक स्कूल का, और प्ले वे सेक्शन जिस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से है। टीचर की देखिए ये है, सामने मैं कैमरामैन से चाहूँगा जरा टीचर और LED स्क्रीन को दिखाएं थोड़ा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लीज़ हैव अ सीट, सिट डाउन। ये क्लास कौन सा क्लास है मैम? थर्ड क्लास। ओके, कुछ पढ़ा रहे हैं आप? डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। सो
आप लोग पढ़ रहे हैं पहले ये सेंटेंसेस डेफिनेशन आपने पढ़ा है? मे आई आस्क? यस ऑफ कोर्स। ओके, चलिए किसी बच्चे से अगर मैं पूछूं तो देन आप आंसर करोगे सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस? किससे पूछें? क्या नाम है आपका? माय नेम इज गौरी गुप्ता। वाओ, गौरी गुप्ता। गौरी, आप क्या पढ़ रहे हो अभी? डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, तो कुछ एग्जांपल बताएंगे आप? राम गोज टू स्कूल। थैंक यू वेरी मच भाई। अरे वाह, आप तो देखने में काफी छोटे लग रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? तरुण गुप्ता। सॉरी, तरुण गुप्ता। तरुण गुप्ता। तरुण गुप्ता, अरे वाह। तरुण जी, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? थर्ड क्लास। थर्ड क्लास में पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? ये बुक पढ़ रहे हैं आप? ये आपको पढ़ना आता है क्या? आता है? अच्छा, मुझे जरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है यहाँ पे। इन ओडन डेज अ किंग। बहुत बढ़िया, तो आप जैसा देख सकते हैं कि बच्चों ने काफी अच्छे से आंसर किया हमारे जो सवाल हमने उनसे किए। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं और कौन सी क्लासेस हैं स्कूल में। ये बड़े बच्चे सामने दिख रहे हैं, तो आई थिंक ये सिक्स क्लास है और यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इंग्लिश की बुक खुली हुई है और इंग्लिश पढ़ रहे हैं बच्चे। राइट, यहाँ ये बच्चे इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं। और चलिए और देखते हैं और कौन कौन सी क्लासेस हैं। क्लासरूम काफ़ी अच्छे हैं, आप देख सकते हैं कि काफ़ी रोशनी और शांति से बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ये भी एक क्लासरूम है। और चलते हैं और चलते चलते आप क्या नाम है आपका? युग जैन। युग जैन, युग आप हमें बताओगी कि आप स्कूल में आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे पढ़ाई। पढ़ाई, और पढ़ाई के अलावा? और कुछ नहीं। कुछ नहीं, अच्छा, आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस, ओहो, पुलिस ऑफिसर बनके क्या करोगे? क्या करोगे पुलिस बनके? चोरों की पिटाई? अच्छा, चलो अब आप मुझे ये बताओ कि आपको और क्या क्या अच्छा लगता है? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, बस पढ़ाई और पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। तो चलिए, हमने क्लासेस के बारे में जाना, क्लासेस देखी और अब हम स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर सर के पास चलते हैं और उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि बच्चों के एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, क्या फीस है और क्या कुछ जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम सर से जानेंगे। चलिए। थैंक यू सर। सर, आपका स्कूल विजिट किया, बहुत अच्छा लगा। और अभी कुछ और जानकारी हम चाहते हैं ताकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, वो अच्छे से जान सकें उन सब चीज़ों के बारे में। अभी हम जानेंगे कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या है स्कूल के अंदर और स्कूल में किस किस तरीके से क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और बच्चे को एडमिशन अगर हमें कराना है तो क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो सब हम जानेंगे मैनेजर सर से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें स्कूल में विजिट करने दिया और हमने आपका स्कूल अंदर से जा कर के विजिट किया, बहुत अच्छा लगा। और हमारे गार्जियन भी घर बैठे देख रहे होंगे कि किस तरीके से स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और मतलब इतना इन डेप्थ जो उनको जानकारी मिली होगी इस वीडियो से, वो और किसी माध्यम से नहीं मिल सकती। तो एक बार सर बताएँ कि स्कूल कितना पुराना है और स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हमने जुटाई हैं बच्चों के लिए। सर, इस एजी पब्लिक स्कूल की स्थापना 2007 में हुई थी और लगभग हम 17 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं जब से विद्यालय खुला है। वैसे तो थोड़ा एक दो साल और पहले समय हो गया था, बट मैं तभी से मानता हूँ जब से हम यहाँ पर आए हुए हैं। बाकी सब ठीक है और सही चल रहा है। एडमिशन प्रोसेस की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे जो क्लास फर्स्ट टू एवब जो क्लासेज होती हैं उसमें अगर कोई गार्जियंस अभिभावक अपना बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट, यानी उसका हम बच्चे का पहले टेस्ट लेंगे, उसके हिसाब से ही हम एडमिशन लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि बच्चा जिस क्लास में गार्जियंस कह रहा है एडमिशन के लिए, उसमें बच्चा चल सकता है या नहीं चल सकता है, उसी हिसाब से हम एडमिशन लेते हैं।
और जहाँ तक एडमिशन की बात है, आपने स्कूल की व्यवस्थाओं को भी देखा होगा, संपूर्ण विद्यालय सीसीटीवी कैंपस से कंप्लीट है, सभी में सीसीटीवी रूम में लगे हुए हैं। और पानी की जहाँ वाटर की बात है, सभी को मैंने आरओ वाटर फिल्टर लगवा रखे हैं और मशीन है जो ठंडा पानी बच्चों को हम प्रोवाइड कराते हैं, पंखे वंखे सारा कुछ व्यवस्था ऐसी हैं जो कि एक अच्छे स्कूल में जो होती हैं वो सारी व्यवस्थाएँ अपडेट की गई। स्वागतम, मैं समझता हूँ कि पहला ही इंग्लिश मीडियम स्कूल है और हम जो वर्क जो कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में एजी पब्लिक के अलावा और कोई ऐसा विद्यालय नहीं जो इंग्लिश मीडियम है, बाकी सब हिंदी मीडियम पैटर्न से चला रहे हैं और वो हिंदी मीडियम स्कूल है। बहुत बढ़िया। सो अब एक आखिरी सवाल और कि अगर ये वीडियो देखने के बाद में कोई गार्जियन आपके स्कूल में एडमिशन के लिए आता है तो क्या उन गार्जियंस को कुछ बेनिफिट मिलेगा, कोई फीस में डिस्काउंट या ऐसा कुछ? देखिए, वैसे तो फीस हमारी इतनी नहीं है कि हम उसमें डिस्काउंट कर सकें, बट अगर वीडियो के माध्यम से आता है और अगर वो कहता है कि साहब हम उस चैनल को हमने देखा था और वहाँ से आए हैं, तो फिर उसमें कुछ विचार किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत अच्छा लगा, और ये स्कूल सुहागनगर एरिया का नंबर वन स्कूल है, हमने आपको अंदर जा कर के दिखाया, सारी जो भी मानक होते हैं एक स्कूल के लिए वो सारे यहाँ पर प्रॉपर पूरे हैं। अभी हमने जैसा कि हम विजिट कर रहे थे तो विजिट करने के दौरान हमने देखा कि फायर स्टर लगा हुआ है, और हमने देखा कि पानी के लिए आरओ लगा हुआ है, बच्चों के लिए अलग लगा हुआ है, टीचर्स के लिए अलग लगा हुआ है, हमने देखा कि सारे क्लासेस में लाइट की और हवा के लिए पंखों की पूरी समुचित व्यवस्था है, हमने ये भी देखा कि एक स्कूल में जो क्लासेस में प्रॉपर टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है वो हमने सही पाया है, एक क्लास में एक टीचर के ऊपर 15 से 20 बच्चे ही हैं, और ज़्यादा अगर किसी क्लास में बच्चे हैं तो वहाँ पर 2 टीचर हैं या उनको 2 सेक्शन में बांट दिया गया है। सो मतलब एक कहना चाहिए कि एक प्रॉपर स्कूल जैसे होता है वो स्कूल हमने ये पाया है सुहागनगर में, जैसा कि हमने सुना था कि सुहागनगर एरिया का नंबर वन स्कूल है, तो ये बिल्कुल सच पाया गया है, सुहागनगर एरिया का ये नंबर वन स्कूल ही है। तो चलिए फिर किसी और स्कूल में हम मुलाकात करेंगे आपसे, मिशन एडमिशन का ये मिशन जारी रहेगा। सो अगर आप चाहते हैं और अगर आप सुहागनगर के आसपास रहते हैं तो ये स्कूल आपके लिए बेस्ट हो सकता है, एक बार स्कूल में आकर के आप विजिट करेंगे तो और भी अच्छी जानकारी यहां से आपको मिल पाएगी। तो चलता हूं, नमस्कार, मेरा नाम था गौरव और आप देख रहे थे मिशन एडमिशन।